जॉय जॉय, क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आज मैथ्स एग्जाम है माँ। तो तुमने पढ़ाई नहीं की है? पढ़ाई तो मैंने की है माँ, पर एग्जाम का पेपर देखते ही ना मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। माँ मुझे अब स्कूल चली जाना है, बाय। क्यों बेटा, दोस्तों के साथ रिवीजन करनी है? मुझे बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, अभी को तो हमेशा हाईएस्ट मार्क्स आते हैं ना। वो तो मुझे आदत से हो गई, और अब मुझे मास्क डिजाइनिंग कॉन्टेस्ट में भी फर्स्ट प्राइज जीतना है। मास्क डिजाइनिंग कॉन्टेस्ट? हाँ, इसलिए तो मैं आज स्कूल चले जा रहा हूँ, ताकि मैं मेरे दोस्त के साथ कुछ आइडियाज डिस्कस कर सकूं। बाय बाय। दिल छोटा मत करो जॉय। देखो, एग्जाम से पहले तो हर बच्चा नर्वस होता है ना? अच्छे स्टूडेंट्स नर्वस नहीं होते हैं माँ। देखो जॉय, जब हमें कोई सुरंग पार करनी होती है तो हम अंदर का अंधेरा देखकर डर जरूर जाते हैं, लेकिन फिर हम ये सोचकर आगे बढ़ते हैं कि सुरंग के बाहर निकलते ही हमें रोशनी मिलेगी। या कोई खजाना? हाँ, तुम भी ऐसी किसी चीज के बारे में सोचो जो तुम्हें टेस्ट के बाद मिलने वाली है। क्रिसमस की छुट्टियाँ। चलो यही सही। माँ आज मुझे टिफिन थोड़ा ज्यादा देना, वो क्या है कि एग्जाम के टेंशन से ना मुझे भूख भी ज्यादा लगती है। ओके जॉय, ये लो एक्स्ट्रा टिफिन। ये क्या है? थैंक यू मीनू, आज मैथ्स टेस्ट है, मैथ्स टेस्ट। तो इसमें रोने की क्या बात है? ए, तुम नहीं समझोगी, तुम्हें तो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं पर मुझे नहीं आते हैं। जो तुम्हारे पास शक्ति हो किसी के पास भी नहीं है, तो मेरी शक्ति अपने मैथ्स टेस्ट में क्यों नहीं यूज करते हो? तो फिर तुम क्लास में नहीं पूरे स्कूल में फंस जाओगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ मीनू, मुझे ये शक्ति दुर्गा माँ ने दूसरों की मदद करने के लिए दी है। जब मैं हीरो बनता हूँ तो दुर्गा माँ के आशीर्वाद से दिया हुआ रास्ता ही मुझे नजर आता है और कुछ नहीं। और जब तुम जॉय बनते हो तभी? जब मैं जॉय बनता हूँ तब मुझे एग्जाम के टेंशन से बहुत भूख लगती है। तो अपना टिफिन खा लो। अगर अभी टिफिन खा लूंगा तो फिर ब्रेक में क्या खाऊंगा? मेरा टिफिन खा लेना। बायोलॉजी गायोलॉजी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अगर जीवन में तरक्की करनी है तो गणित पढ़ो, गणित में पास हो। हम जानते हैं एक दो दिनों में तुम सबकी छुट्टियां होने वाली है, इसका ये मतलब नहीं कि अभी से हम तुमको मटर गश्ती करने का समय दे दे, समझे का? डर के मारे मुझे भूख भी बहुत लग रही है। इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे आता है बेटा। क्या कर रहा है? कार है जो है, मौका मिला नहीं कि गाय की तरह चबर चबर करने लग गया। चल बिस्कुट का पैकेट हमको दे। चल बैठ जा चुपचाप। चिल्ला क्यों रहे हैं? ओ,
कल से क्रिसमस की छुट्टियां जो शुरू हो रही है। लगता है इन लोगों ने आज तक कभी ढंग से क्रिसमस नहीं मनाई, इसीलिए इतना उछल रहे। तुम लोग के घर पे तो क्रिसमस बड़े धूमधाम से मनाते होंगे ना? और नहीं तो क्या। मैं तो सोच रहा हूँ कि इस बार स्कूल के भी कुछ बच्चों को बुलाओ। गुड आइडिया, इस बार आप पिछली बार से भी बड़ी पार्टी मनाएंगे। पिछली बार क्या हुआ था? जो हर साल होता है, क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉस, ढेर सारी गिफ्ट्स और बड़ा सा केक, और इसके ऊपर इससे भी बड़ी पुडिंग। और न्यू ईयर की ईव पर इससे भी बड़ी और एक पार्टी। तुम इस पार्टी में किस किस को इनवाइट करने वाले हो? हम हमेशा अपनी पार्टीज पे बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, लेकिन इस बार हम सोच रहे हैं कि क्लास के कुछ बच्चों को भी बुला दें। मैं तो कभी न्यू ईयर या क्रिसमस पार्टी में गई नहीं हूँ। क्यों ना इस बार न्यू ईयर पर हम सब मिलकर कुछ प्लान करें? हाँ, बहुत मजा आएगा ना। मुझे तो रेजी की पार्टी का आइडिया काफी अच्छा लगा। अगर तुम मुझे अपनी पार्टी में इनवाइट करोगे तो मैं तुम्हें एक डिजाइनर मास्क दूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ पीछे पीछे अगर तुम्हारा फ्लंकी ब्रदर आएगा तो हमें तुम्हारी पार्टी में आने का कोई शौक नहीं है। चलो जॉय, हमें वैसे भी रेजी के पार्टी से क्या लेना देना। मैं अभी के बारे में सोच रहा था। अगर वो पार्टी में जाने के लिए रेजी से दोस्ती करना चाहता है तो उसे करने दो। अबरी बार हम बैंड बाजा के साथ क्रिसमस पार्टी मनाएंगे। क्रिसमस पार्टी नहीं प्रेम प्रकाश जी, क्रिसमस पार्टी। वही तो हम भी कह रहे हैं, हमको तो एक गो बहुत बड़ा क्रिसमस पार्टी में आने का न्योता भी मिला है। ये देखिए, वो का नाम है उसका, है अंडा बुल का हू हला क्रिसमस पार्टी। अंडा बुल नहीं एंडी बुल, और हू हला नहीं हुला हूप। अभी हुला हूप हो या कोनो सूप हो, का फर्क पड़ता है। हम तो वहाँ जाके दबा के खाएंगे और फिर वहाँ के फिल्म स्टार लोगों के साथ थुमक थुमक के नाचेंगे। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी में आपको किसने बुलाया? आप काहे पूछ रही है, जलती है काम से है। हमको तो सिर्फ दो चीजों का प्रबंध करना है। वो क्या? पहले तो कपड़ा। हम जो डिजाइन सोच रहे हैं उसके सामने बाकी सब कपड़े फीके पड़ जाएंगे। और दूसरा? वो हम आपको नहीं बता सकते। वैसे मैम, इस इनविटेशन कार्ड को देखकर मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है। हमको भी बहुत सारे आइडिया आ रहे हैं। क्यों ना हम बच्चों के लिए एक ऐसी ही क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज करें। एग्जैक्टली, बच्चों को कितना मजा आएगा ना। हमको भी कितना मजा आएगा, बच्चे भी खुश हम भी खुश। चलिए नाचेंगे गाएंगे खेलेंगे कूदेंगे, चलिए साथ में क्रिसमस पार्टी मनाते हैं। सर, मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती थी। बच्चों, अभी अभी मैं प्रिंसिपल सर से बात करके आ रही हूँ। उन्होंने कहा है कि इस साल स्कूल में सबसे बड़ी क्रिसमस पार्टी होगी। पार्टी में जगलर्स आएंगे, फायर शो होगा, मैजिक शो भी होगा, यहाँ तक कि हम शहर के मशहूर वेंट्रिलोकिस्ट मिस्टर दारा को भी बुलाएंगे। संतरा लौकी, ये क्या होता है? सर, वेंट्रिलोकिस्ट ऐसा कलाकार जो अपनी आवाज किसी भी दिशा में फेंक सके। हाँ हाँ, मैंने इसके बारे में टीवी में भी सुना है। ये कितना मुश्किल होगा ना। हम मिस्टर दारा से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक हफ्ते तक सब बच्चों को वेंट्रिलोकिज्म में ट्रेनिंग दे। अरे पर दारा जी तो क्रिसमस के दिन हमारी क्रिसमस पार्टी में व्यस्त रहेंगे। जी नहीं, मैंने मिस्टर दारा से बात कर ली है, उन्होंने कहा कि वो फ्री है। यानी कि वो हमारी क्रिसमस पार्टी छोड़ के स्कूल की पार्टी में आएंगे? ये तो सरासर धोखा है। हाँ सर, क्रिसमस पार्टी में अकेले नहीं जाते, डांस पार्टनर को लेके जाते हैं। पता है हमको, है हमको सब पता है।
तो क्या सर आपके साथ आपकी वाइफ आने वाली है? नहीं नहीं, हम तो किसी और को पूछने की सोच रहे हैं। बेकार सोच रहे हैं प्रेम प्रकाश जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कार्ड पिछले साल के क्रिसमस पार्टी का है। क्या कह रही हैं आप? ये देखिए 25 दिसंबर 2004। स्कूल का आखिरी दिन कितना अच्छा लगता है ना, और खासकर इस बार जब हम पूरे एक हफ्ते क्रिसमस की मौज मस्ती करेंगे। अरे मिस जैस्मिन ने वो हमें उनके साथ चलने को कहा था ना, वो वेंट्रीलोक्विस्ट। हाँ, वेंट्रीलोक्विस्ट के वर्कशॉप में चलने को कहा है ना। शायद वो स्टूडेंट्स को देखकर ट्रेनिंग देने के लिए आसानी से मान जाए। ये देखो हमको नेवी बॉल का न्योता मिला है। नेवी बॉल में नेवी के ऑफिसर फुटबॉल खेलते हैं? चुप बकबक, नेवी बॉल में तो क्या करते हैं? नेवी बॉल में सब फॉर्मल सूट पहन कर आते हैं और अपने पार्टनर के साथ बॉल डांस करते हैं। हाँ, हम भी वही कहने वाले थे, तुम हमको बीच में टोक के कंफ्यूज कर दिए थे। लेकिन सर आपको ये कार्ड कहाँ से मिला? ये कार्ड वो हमको हमारी फूफा की बेटी के साले ने दिया। और सर आपके पार्टनर? हमारे पार्टनर चले चलिए ना सुश्री जैस्मिन जी। प्रेम प्रकाश जी, मैंने आपसे नहीं बच्चों से कहा था। पहले जॉय, अभी पापे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। चलो चलो, अरे घंटी कहाँ है? इतना बड़ा दरवाजा है, घंटी का आ वहां है घंटी, अभी दरवाजा खोलेंगे। खोले खोले। नमस्ते, आइए। हेलो हेलो हेलो, स्टूडेंट्स मतलब तेज दिमाग और चंचल स्वभाव। हेलो मिस्टर दारा, मैंने आपसे फोन पर बात की थी, ये मेरे स्कूल के बच्चे हैं। दरअसल हमारे स्कूल में एक हफ्ते तक का सेलिब्रेशन है, 31 दिसंबर तक, और उसके बाद एक बहुत बड़ी पार्टी है। स्कूल कैंपस में करना होगा? बिल्कुल, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, सारे अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। अरे बाबा बा, ये तो हू बहू। थैंक यू वेरी मच मिस्टर दारा, मैं जल्दी प्रिंसिपल सर से डिस्कस करके आपको फाइनल शेड्यूल बता दूंगी। सचमुच इस क्रिसमस में काफी मजा आएगा। या श्योर, सी यू सून, बाय बाय। चलो बच्चों, प्रेम प्रकाश जी चलो। और जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे ये कैसा खतरनाक आदमी है, हम पर ऐसे चिल्लाया, हम तो नीचे से ऊपर तक हिल गए। कहा है ना हम गांधी जी के भक्त हैं, वरना एक कान के नीचे लगा के देते बुड़बक को। ओह नो, मैं मेरा वाटर बॉटल अंदर भूल गया। हाँ अंदर भूल गया, हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाके लेके आओ। हाँ, हम और सुश्री जैस्मिन जी जाके गाड़ी में रुकते हैं, तुम लोग जल्दी जाओ और जल्दी आओ। अच्छा चलिए सुश्री जैस्मिन जी, चलिए। पापे हम नहीं आते, तुम जाओ, जल्दी आना। हाँ ओके, आओ मीना, आओ मीना सुपर सीना। सॉरी, क्या हुआ अंदर? मैंने देखा। क्या देखा? तुम सोच भी नहीं सकते। अरे तुम बस हिलते रहोगे या कुछ कहोगे भी?
मायरा। मायरा? प्रिंसेस मायरा? हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने किसी और को देखा होगा। मैं कह रहा हूँ ना, वो प्रिंसेस मायरा थी। चलो मेरे साथ। वो देखो है ना भाई, नहीं वो तो उसके हमशक्ल है। ये मायरा ही है। तुम्हें कैसे पता? वो अभी भी उसके उसके हाथ में, देखो। मेरे पूर्वज जार डिंगला के राजा थे और मेरे पिताजी वहां के आखिरी शहंशाह। वो अपनी अंगूठी कभी नहीं उतारती है, उन दिनों में भी नहीं जब वो अपनी असलियत लोगों से छुपा कर रखना चाहती थी। लेकिन प्रिंसेस मायरा वेंट्रिलोक्विस्ट के वर्कशॉप में क्या कर रही है? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। उसने मुझे पहचाना क्यों नहीं?